लाइट कैमरा रोलिंग। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुहैब शहबाज और आज इस वीडियो पे हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं वो ऋषभ शुक्ला की लेटेस्ट इंस्टाग्राम रील्स हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। चले भाई तेरे कार की चाबी, थैंक यू यार देने के लिए। अबे क्या हो गया यार, हर छोटी छोटी सी बात पे मुंह बना लेता है। अबे देख, जैसे कोई माँ होती है वो अपने छोटे बच्चे को काला टीका लगाती है ना, क्यों लगाती है? नजर से बचाने के लिए। अब वो काला टीका उसकी खूबसूरती तो नहीं खराब कर रहा है ना? बिल्कुल। अब देख भाई, जैसे तेरी नई कार थी, सड़क पे चल रही थी, लोगों की नजरें लग रही थी, तब उस पर क्या हुआ, हल्का सा स्क्रैच आ गया। काला टीका है भाई, नजर बट्टू का काम करेगा। अच्छा। अब कोई देखेगा नहीं तेरी कार को, समझा? अरे खुश रहा कर यार। हैं? बची का है कार, कोई भी नहीं देखेगा ये तो। ये होता है यार। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप एक तपते रेगिस्तान में खो जाएं, आपका गला सूख रहा हो पर आपके पास पानी खत्म हो चुका है, तो आप सरवाइव कैसे करेंगे? दोस्तों हमें सबसे पहले एक 15 से 30 सेंटीमीटर की स्टिक ढूंढनी है और उससे जमीन पे कुरेद देना है हेल्प। दोस्तों इस प्रोसेस में थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन आपको बहुत जल्द एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर या प्लेन स्पॉट कर लेगा और वो आपके पास मदद करने के लिए आएंगे। और वो जैसे ही आपके पास आए, आपको तुरंत उनसे 1 किलो प्याज मांग लेना है और जैसे ही वो आपको प्याज ला के दें, आपको तुरंत उस प्याज को चॉप कर लेना है जिससे आपकी आंखों में पानी आ जाएगा। उस पानी को आप एक ग्लास में इकट्ठा करके लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तक बॉइल कर लें और आपके पास पीने के लिए पानी तैयार हो जाएगा। मतलब कुछ भी भाई। हाँ क्या दिक्कत है? मारा था, बकवास कर रहा था। करेगा बकवास, अब लगा इसको भी हाथ लगाऊंगा, तेरे को भी हाथ लगाऊंगा। जानता नहीं है मैं कौन है, कौन है, कौन है, बताना मेरे को। मैं टट्टी सुखा दूंगा। हां क्या हुआ? मैं तो टट्टी सुखा दूंगा। टट्टी को हम इंग्लिश में कहते हैं पूप और सूखा को ड्राई। अंदर का टीचर सूखा दूंगा, जो अंदर जाग गया। आई विल मेक योर पूप ड्राई। तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे कहने की? तू जानता है मैं कौन हूं? चिड़मिनाहट हो रही है ना तेरी पिछवाड़े में, जा चिड़मिनाहट। अभी निकालता हूं चिड़मिनाहट, रुक जा। अबे दोस्तों पिछवाड़े में चिड़मिनाहट होना, पिछवाड़े को हम इंग्लिश में कहते हैं अंदर का टीचर जिंदा है, चिड़मिनाहट को अ टिंगली सेंसेशन। देयरफॉर अ टिंगली सेंसेशन इन माय एस। बहुत हो गई भाई, तेरी हिम्मत कैसे हो रही है सर कहने की? क्या कर रहा तू ये? हैं क्या सुअर है वो? ये थूत के अबे वो। दोस्तों सुअर, सुअर को हम इंग्लिश में कहते हैं पिग और थूत को फेस। सुअर सी थूत के यानी फेस लाइक अ पिग। इसको तो मैं अब छोड़ने नहीं वाला। अब आया पता क्या हुआ? मुंह तो निकल गया ना। हां दोस्तों मुंह तो निकल गया। अरे भाई ये नहीं रुकने वाला। इंग्लिश में कहते हैं अबे ओ गाइस इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ओके ये देखो, ये हमारे म्यूजियम का सबसे नायाब नमूना। ओह यस, मतलब ये इंसान 12 घंटे तक बिना हिले बिस्तर पे पड़ा रहता है। माइंड रेट 12 घंटे बिना हिले। मतलब हमने हाइपर सेंसिटिव सेंसर्स लगा के इसकी मूवमेंट डिटेक्ट करने की कोशिश की, बट गेस व्हाट, एब्सोल्युटली नो मूवमेंट, एब्सोल्युटली नो मूवमेंट। साइंटिस्ट खुद हैरान है कि भाई इससे ज्यादा तो डेड बॉडी मूव कर जाती है। डेड बॉडी मूव कर जाती है। नाइस, फोटो ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, आप ले लीजिए। हां फोटो प्लीज, फोटो ले लीजिए। ओह या, जल्दी चले। हो गया, हो गया। चलो चलो गाइस आगे दिखाता हूं, आगे आगे चलो 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 चलो। आप पड़े रहिए, आप पड़े रहिए। बाय। फीडबैक बहुत कीमती है। हेलो सर, आपने एक शॉपिंग मार्ट से प्रोडक्ट परचेज किया था? हाँ जी सर, ये कॉल एक्चुअली उसी के फीडबैक के रिगार्डिंग कॉल था। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। थैंक यू सो मच सर। आउट ऑफ 5 कितना देना चाहेंगे? 5 out of 5। आपकी वैल्यूएबल फीडबैक के लिए थैंक यू सर, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, थैंक यू। ओके ये कोई ना कोई फीडबैक वाला होना फिर। हेलो सर, अभी आपको एक फीडबैक के लिए कॉल आया होगा, उस फीडबैक कॉल का फीडबैक कैसे देना चाहेंगे आप? फीडबैक कॉल का फीडबैक दे दिया है। प्रोडक्ट भी अच्छा है, फीडबैक कॉल भी बढ़िया था, सबका फीडबैक बढ़िया है। तो अपना कीमती फीडबैक देने के लिए धन्यवाद सर, आपका दिन शुभ हो। शुभ। हेलो सर, अभी आपको फीडबैक कॉल का फीडबैक लेने के लिए जो कॉल आया था उसका फीडबैक कैसे देंगे? मैं सारे फीडबैक दे चुका हूँ, सारे फीडबैक बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट है। ठीक है, हर जगह एक्सीलेंट कर दो और दोबारा मत कॉल करना मुझको, समझ आ रही है? अपना कीमती फीडबैक देने के लिए थैंक यू सो मच, आपका दिन।
माँ कसम आप दोबारा काला है ना। अबे ओ साले इतने जूत बजाऊंगा ना दोबारा कॉल आ गया तो दिमाग का दही करके रखा हुआ है जब से मेरे। कैसे बात कर रहे हो, बात करने की तमीज नहीं है तुमको, आपसे बात करने की तमीज नहीं है, गालियां नहीं दे रहा था मैं। नहीं बनाया, बड़ा मजा आया सर, हम कस्टमर के बात कर रहे हैं तो आपके बाप की आवाज निकल रही है, अपने बाप की आवाज का फीडबैक कैसे देंगे सर। देख गया बेंच When leaving your phone is too risky. अच्छा मैं ऐसे तब करता हूँ जब कोई बच्चा मेरे से फोन मांगे, करना पड़ता है। फोटोज तो देख, अपनी फोटो खुली हुई है, फोटो खुली हुई है, देख रहा है, देख रहा है, हाथ में तो है, क्या है, क्या दिक्कत है, देख ले। अच्छा मम्मी को कॉल करना है अर्जेंट है, एक बार अब हो सकता है मिल जाए। नंबर बता, नंबर बता ना। 9818182838 ला एक बार होगा। अरे अर्जेंट प्राइवेट बात करनी है, बात करवा रहा हूँ, मतलब के फोन देना ही नहीं है। हेलो आवाज, एक मिनट भाई आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क नहीं आ रही, साइड में आ जा। हेलो हां चल, हेलो हां, अरे भाई एक मिनट दे, हेलो मम्मी, हां आ रहा हूं, हेलो हेलो कर ले कर ले। उसके डेरी में राई का तारा रंग बिरंगा पहल सयाना। ओके ले रहा हूं ले रहा हूं। बॉयज फेवरेट पोज हो गया हो गया। अच्छा आ जाओ, मैं फाइव फोटो क्लिक कर दे। अरे अरे मुझे नहीं खिंचवानी। ओके अरे आओ ना, ठीक है चलो अब अच्छे से पोज देना, ठीक है। नहीं नहीं मजा नहीं आ रहा, पोज चेंज करो, एक काम करो तुम हाथ बाहर निकालो। वैसे ये है बहुत से लोगों का होता ही है ये, तुमने फिर पॉकेट के अंदर हाथ डाली। अरे मुझे क्या पता कैसे पॉकेट के, हाथ फोल्ड करो ऑटोमेटिकली, ठीक है ऐसे ही रखना हाथ। अरे मुझे क्या पता, मैं तो एक काम करो हाथ पीछे करो अपने, ठीक है सर के पीछे। हाँ, बहुत बढ़िया, ऐसे ही रखना, नीचे मत करना हाथ। अरे भाई क्या है ये? भाई साहब एक मिनट रहा ना, एक काम कर दीजिए, इनके इनके हाथ पकड़ लीजिए। हाथ पकड़ लूँ? हाथ पीछे पीछे, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई, अब करो फोटो क्लिक। बहुत बढ़िया, ऐसे ऐसे रखना। पोज ही एक आता सीधा, कुछ अल्लाह का शुक्र है मेरा ये हाल नहीं है। क्या हो गया, पॉकेट में हाथ आ रहे हैं आपके बोल रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो आपका दिल को टच कर लेगा दोस्तों। okay. एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा होता जा है, उसकी तरफ उनका फोन आ जाता okay. है। हेलो हेलो बेबी, हाँ बेबी, बेबी मुझे माफ करना, मैं आज तुमसे नहीं मिल सकती, मेरे सर में दस्त लग गए। कोई हैं। बात नहीं बेबी, तुम अपना ध्यान रखो और अच्छे से धोई धोई करना। दोस्तों फिर से जा रहा होता है, उसे कुछ दिखाई देता है, दिखाई देता है। अरे वाह बाबू है, ये हवाई चप्पल जैसे दिखने वाले आदमी के साथ क्या कर रही है, पता लगाना पड़ेगा। तुमने देखा मैंने कैसे उस चिलकोजे का पप्पू बनाया, उसे कभी पता भी नहीं चलेगा कि मैंने उसे धोखा दिया है। चलो okay. हम अपना क्रोसाइंट खाते हैं। मेरी बाबू ने तो बहुत गलत काम किया। अरे क्या यार, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं, तुम्हें ऐसा बोलते हुए शर्म नहीं आई? ओहो। इस चीज को क्रोसाइंट नहीं क्वासों बोलते हैं। ये लो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इसे पढ़ के तुम अपना प्रोनंसिएशन ठीक कर पाओगी। और हाँ आगे से किसी का नाम मत बिगाड़ना। दोस्तों इस वीडियो से हमें सीख मिलती है कि दिन में तीन बार खौसम बोलने से आपकी छाती का बलगम साफ हो जाएगा। इसे बोलते बोलते तो मेरी जुबान में गांठ लग गई। लाइक करें फॉलो करें। ये क्या था? ए किधर भैया, वो अंदर शूट करने जाना था। यहाँ कोई शूट नहीं होता, जाओ कहीं और जाके शूट करो चलो। लेकिन भैया हमें तो इधर ही शूट करना था। अरे बोला ना तुमको यहाँ लोंडो ने वीडियोस बनानी है, उन्होंने जगह नहीं मेरी। आ जाते हैं सुबह सुबह छपरी छपरी बोल दिया उन्होंने। अरे रोने रुला दिया ना सालो। ओह गॉड। अरे सुनो कितना टाइम लगेगा शूट करने में? भैया बस दो मिनट लगेंगे। भैया बस दो मिनट, ज्यादा टाइम मत लेना ठीक है।
अरे तो एक ही वीडियो शायद बनानी होगी उनने। अरे आज सिक्योरिटी का थैंक यू साहब। ओहो भाई ये क्या था, कौन सा वाला शूट करने गए थे? साले ने शूट कर दिया। अरे रुक 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 भाई, ये चीनी वगैरह छुपा ले। okay. अगर बिल्लू भैया को पता चल गया ना हमने किसी और दुकान से लिया है, उनका दिल टूट जाएगा। सही कह रहा भाई, राशन हो ना हो ना। अरे 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 आ गए आप लोग, चलो जल्दी से राशन निकाल देता हूँ। चीनी कितनी लगाऊं, 5 किलो? नहीं 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 चीनी मत लगाओ, चीनी तो हम ले आए। ओह शिट, दिल तोड़ दिया साले। बिल्लू भैया, बिल्लू बिल्लू भैया। अरे शाहरुख आ गया। अरे 5 किलो चावल, 10 किलो आटा और 6 पैकेट चाय पत्ती। ओह गॉड, काश मैं आपको बता पाता कि मैं आपसे क्या क्या खरीदना चाहता हूँ। मत बोल भाई। एक सेकंड, बोल। मैं जब आके बंद करता हूँ तो बिल्लू राशन वाले को देखता हूँ, मैं आके खोलता हूँ। Okay. तो बिल्लू राशन वाले को देखना चाहता हूँ। आंखें खोल के मेरे नैना सिर्फ मेरे बिल्लू राशन वाले को देखते हैं। Okay. और लिखा है, इस दुनिया में राशन तो सब लेते हैं पर मेरे जैसा राशन कोई नहीं ले सकता, क्योंकि उनके पास बिल्लू राशन वाला जो नहीं। Nice. ये सब छोड़ो, ये बताओ सरसों का तेल कितने लीटर का? अरे वाह। नहीं भैया, तेल तो हम दूसरी दुकान से ले आए। साले इतनी स्क्रिप्ट वो मार के उसने उसको बनाया। नाइस यार, बहुत आला यार, बहुत आला। सो गाइस ये थी वीडियो ऋषभ शुक्ला की, जो कि काफी ज्यादा मजेदार थी, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी और काफी ज्यादा हद से ज्यादा जो उनसे थी वो ज्यादा फनी थी। सबसे ज्यादा जो फनी चीज थी ना यार, वो एक दफा मैं जा रहा होता हूँ, एक दफा कुछ हो जाता है, एक दफा ये जो एक्सेंट था ना, ये बहुत ज्यादा फनी था। ओवरऑल जो वीडियोस थी वो काफी ज्यादा मजेदार थी, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। वीडियो को एंड करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा।